स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास टेंथ के हिस्ट्री चैप्टर 3 की, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर 3 है हमारा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले की बात करें सबसे पहले हम, तो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक का स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। भूमंडलीकरण क्या है? दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकरण है। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। तो ये भूमंडलीकरण है। प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने जान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक के रोगाणु और बीमारियाँ भी ले गए। 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ दिया। रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की और आपस में जोड़ा। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैगेटी बन गया। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप में फैल गया। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से पहले भी आवागमन होता रहता था, लेकिन उस समय ये नाम प्रचलित नहीं था कि भूमंडलीकरण क्या है। अब रेशम मार्ग के बारे में बात करें तो सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुई भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दे दिया गया। सिल्क मार्ग, यह मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तर अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ता था। रेशम मार्ग सिल्क रूट की विशेषताएँ क्या थी? इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में था और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। अब भोजन की यात्रा की बात करें, स्पैगेटी या और आलू की बात करें। स्पैगेटी क्या है? ये एक प्रकार का आप मैक्रोनी आप देखते ना, उसी टाइप का होता है ये स्पैगेटी और आलू। स्पैगेटी नूडल चीन की देन है जो ये वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप में स्पैगेटी कहते हैं। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीप को खोज निकाला। आलू की बात करें, आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जी सकें। आयरलैंड के किसान
आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई थी तो कई लाख लोग भूख से मर गए। इस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। विजय, बीमारी और व्यापार, अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने ना सिर्फ व्यापार को फैलने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतेह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अमेरिका के अनाज और खनिजों के ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। आगे देखें, विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेश की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहाँ पहुँचे तो वह अपने साथ साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी को सफाया कर दिया, यानी कि काफ़ी लोग मारे गए। इस तरह यूरोपियन आसानी से यूरोप अमेरिका पर जीत हासिल करते गए। यूरोप में समस्याएं। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थीं, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाने लगे, लेकिन 15वीं सदी में ही चीन ने भारी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव आए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्ते के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव भी आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रवाह, व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का। श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना आना जाना। पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण जैसे ही जनसंख्या बढ़ी भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, जिससे अलग अलग देशों के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय और कॉर्न लॉ को हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुई, विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार। तो ये चीज़ें हुई कॉर्न लॉ के समय और उसके बाद। तकनीक का योगदान। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी में ने एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया, अटलांटिक महासागर के पार। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद।
एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं। ऐसा लगता है कि किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हों। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएँ सीधी रेखाओं में बन गई। रेंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, अब ये क्या था? रेंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेज़ी से फैली। इसका प्रकोप की बात करें तो रेंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक में के आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रेंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 के आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रेंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। कितना कहर बरपाया आने की। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद करी। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक, बंधुआ मजदूर, वैसे मजदूर जो किसी खास मालिकों के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं उन्हें बंधुआ मजदूर कहलाते हैं या कहते हैं। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशियस और फिजी भेजा गया। कई को सिलोन और मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। मजदूरों को फंसाने का काम एजेंट करते थे। एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे और इन मजदूरों को यह भी पता नहीं होता था कि वह कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। विदेशों में भारतीय उद्यमी, तो इसकी बात करें तो भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुर श्रॉफ और नटुकोट्टई चेट्टियार का नाम आता है। वह दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुँच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायियों तो यूरोपियन उपनिवेशों में भी आगे निकल गए थे। 1880 के दशक तक उन्होंने 60 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण बंदरगाह पर फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़े पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया और 1870 आते आते यह 3% रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील यानी कि इंडिगो में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और भारत से ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाज़ार में जो आमदनी होती थी
उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था। और भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। इस समय के दौरान दुनिया के ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक और दयनीय युद्ध की अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया और एक और सहयोगी थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका में भी शामिल हो गया था, और विपरीत देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन और तुर्की। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। युद्धकालीन रूपांतरण। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को एक मायने में झकोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वाले में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जो जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगीं। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही थी। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका से में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी। अब युद्धोत्तर सुधार क्या हुए? युद्ध के बाद सुधार। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में युद्ध उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेज़ी आई थी जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई। युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। आगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत हुई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों से तेज़ी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्चे करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ी। कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इसी तरह से बजाजी सामानों जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। महामंदी की बात करें, महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगा। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपति ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। भारत और महामंदी। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कितनी? 50% तक गिर गई। किसानों और काश्तकारों, यानी कि किसान ही हैं, बड़े किसान होते हैं वो, को ज़्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष में उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। टैरिफ की बात करें, एक देश के आयात या निर्यात पूरे देश दूसरे देश द्वारा लगाया जाने लगा। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार के विनिमय दर हैं, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा, जो आपके साथ मैंने चर्चा करी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।